तो सूरत आईटीना एडिशनल कमिश्नर अनिल भारद्वाज सामे तेमनी ज पत्नी द्वारा आक्षेपो करवामां आव्या छे। पति मारझूड करतो होवानो आक्षेप लगाववामां आव्यो छे अने जानथी मारी नाखवानो प्रयास कर्यानो पण आक्षेप करायो छे। तेमज पत्नीए पोते पण एक वखत आत्महत्यानो प्रयास कर्यो हतो। पत्नीए एक वीडियो वायरल करीने अनिल भारद्वाज पर गंभीर आरोप लगाव्या छे। तेमणे जणाव्यु हतुं के 2016 मां लग्न बादथी प्रताड़ित करवामां आवता हता अने 4 वर्षमां पत्नी उपर करेलो खर्च पण मांगवामां आवी रह्यो छे अने मने घरेथी चाली जवा पण दबाण करवामां आव्यु हतु अने लग्नमां दहेज पेटे 20 लाख रूपया रोकड़ा घरेणा पण आपवामां आव्या हता। आ समग्र मामले पत्नी द्वारा पोलीसमां फरियाद कराई हती, परंतु पोलीस 9 महिनाथी समग्र मामले फक्त तपास करी रही छे अने पोलीस स्टेटमेंट बदलवा माटे दबाण करे छे। जो कि हवे पोलीस समाधान करवा दबाण करती होवानो पण आक्षेप करवामां आव्यो छे। आ अंगे मुख्यमंत्री डीजीपी होम सेक्रेटरी ने पत्र लखवामां आव्यो हतो। पत्र बाद डीजीपी ऑफिसे आदेश आपवामां आव्यो हतो, परंतु आदेश ने पण स्थानिक पोलीस घोड़ीने पी गई छे। त्यारे पोलीस तपास न थता पत्नीए वीडियो वायरल कर्यो छे। शक्ति को अभिनंदन। मैं डॉक्टर अनामिका द्विवेदी, वाइफ ऑफ अनिल कुमार भारद्वाज, एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स सूरत। हमारा विवाह दिनांक 18 फरवरी 2016 को हिंदू रीति रिवाज से अनिल जी के सरकारी आवास पर संपन्न हुआ। शादी के बाद से प्रताड़ित करने का सिलसिला शुरू हो गया था। मारपीट बिल्कुल आम हो गई थी। एक बार गुस्से में आकर अनिल जी ने मेरे ऊपर खौलता हुआ घी डाल दिया। गुस्से में आकर चाकू या पीलर से प्रहार करना बिल्कुल आम हो गया था। इस तरह गुस्से में आकर कुछ भी करते, बाद में कान पकड़ते, माफी मांगते। उन्होंने कई बार मुझे जान से मारने की कोशिश की और मुझसे घर से निकल जाने व मर जाने का दबाव बनाया, जिसके चलते मैंने एक बार स्वयं ही अपने हाथ की नस काट ली। मैं अनिल जी की यही प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि अनिल जी ने 4 वर्षों पर मुझ पर किए गए खर्च वापस मांगने लगे, जिससे मैं शौक में थी क्योंकि शादी के कारण मेरी 8 लाख प्रतिवर्ष की सरकारी नौकरी जा चुकी थी। फिर मैंने अनिल जी से अपने 20 लाख के जेवर पर नकद मांगे, जो शादी में इनकी माँ व परिवार वालों ने रख लिया था, जिसका अनिल जी ने वादा किया लेकिन आज तक नहीं दिया। इसके बाद मुझे और भी ज्यादा प्रताड़ित करने लगे, जिसकी सूचना मैंने पुलिस में दी, लेकिन पुलिस के समझाने पर भी अनिल जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में दिनांक 8 जून 2020 को अनिल जी ने पुनः मुझसे मारपीट की, मुझे घर से निकालने की कोशिश की, जिस पर मैंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस इन्हें उठाकर थाने ले गई, समझाने की कोशिश की, परंतु अनिल जी ने जिद में अपना ही घर छोड़ दिया। न सुनने समझने की सूरत में पुलिस ने मुझे बुलाकर दिनांक 12 जून 2020 को FIR दर्ज कर ली। FIR दर्ज करने के बाद अनिल जी कुछ दिन तक तो भागे भागे रहे, फिर सूरत पुलिस को ही मिला लिया। सूरत पुलिस 9 महीने से जांच कर रही है और मुझ पर ही दबाव बना रही है कि मैं अपना बयान बदलकर समझौता कर लूं, केस खत्म कर लूं। मेरे पास हर बात का प्रमाण है, अनिल ने हर बात स्वीकारी है, परंतु अब तो पुलिस की अनिल से सांठगांठ हो गई है। मैंने इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर गुजरात, डीजीपी गुजरात व होम सेक्रेटरी गुजरात जी को पत्र लिखे हैं कि जिसे जेल में होना चाहिए वही मुझे थाने बुला रहा है। प्रूफ के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। गृह विभाग के आदेश आने पर भी सूरत पुलिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यह कौन सी कार्य प्रणाली है पुलिस की कि जिसमें पुलिस अपने ही उच्च अधिकारियों के प्रशासन की न सुन अपराधी के साथ खड़ी है। ऐसी न्याय प्रणाली पर लोगों का भरोसा कब तक रहेगा? जनता का भरोसा सरकार से उठेगा नहीं? क्या पुलिस मोदी जी के महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम पर पलीता नहीं लगा रही है? सभी के न्याय कार्यक्रम पर बट्टा नहीं लगा रही है? ये कौन सी न्याय प्रणाली है? मैं अंत में नेताओं से भी निवेदन करूंगी कि वो इस प्रकरण को सिर्फ मेरा प्रकरण न मान, सभी महिला के हित में जिम्मेदारी लेते हुए इसे संसद व विधानसभा में भी उठाएं व ऐसे अपराधियों के साथ, ऐसे पुलिस कर्मचारियों पर भी कार्रवाई करें जो अपराधी के साथ मिलकर इनका मनोबल बढ़ाती है। कृपया सरकार एक और बेटी के मरने का इंतजार न करे, जल्द से जल्द अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जय हिंद।